रायगढ़ कोतवाली पुलिस ने सहारा शाखा खरसिया के प्रबंधक पुष्पेंद्र साहू पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। सहारा के खरसिया शाखा प्रबंधक द्वारा 72 लाख से अधिक रुपयों के निवेश कराने के अलावा मैच्योरिटी रकम वापस नहीं करने का आरोप है। इसके पूर्व कबीर चौक स्थित सहारा शाखा के प्रबंधक को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया था। रायगढ़ शहर के थाना कोतवाली में दर्ज सहारा इंडिया धोखाधड़ी मामले में कोतवाली पुलिस ने सहारा इंडिया के खरसिया शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा है। CSP रायगढ़ अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस अपराध की विवेचना और आरोपियों की पतासाजी में लगातार लगी है। सहारा इंडिया के स्थानीय शाखा प्रबंधक एवं अन्य आरोपियों के विरुद्ध विकास निगानिया निवासी कृष्णा विहार कॉलोनी रायगढ़ के आवेदन पर 29 सितंबर को थाना सिटी कोतवाली में धारा 420, 120B, 34 और धारा 6-10 छत्तीसगढ़ निरीक्षकों के हितों के संरक्षण अधिनियम धारा 4-5-6 इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की जांच में पाया गया कि सहारा इंडिया के तत्कालीन शाखा प्रबंधक कबीर चौक आरोपी ओम प्रकाश शर्मा ने पीड़ित विकास निगानिया को सहारा इंडिया के विश्वसनीयता एवं निवेश प्रोग्राम के संबंध में विज्ञापन दिखाकर 4 लाख रुपए निवेश कराया था। उसके मूलधन 40 लाख को कभी भी जरूरत पड़ने पर देने का वादा किया था, पर मार्च 2022 तक केवल 40,000 रुपए ही लौटाए।